कूलम्स लॉ इन बेटर फॉर्म। सबसे पहले आपका इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन वही जो आपका मैग्नीट्यूड में कर चुके हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंसिडरेशन पर वही दे सकते हैं, कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। बट इसमें दो कंडीशंस आती है, देख लो, इफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज लेस देन जीरो, अगर आपका चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो से लेस देन है उस केस में, देख लो, दो नंबर का किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से लेस होता है, लेस देन जीरो इफ नेगेटिव वैल्यू आए, वन इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और दूसरे केस में क्या हो सकता है, या पहला चार्ज आपका फर्स्ट चार्ज नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, एक तो आपका ये केस है। अब दूसरा केस आपके पास ये है, अब इसमें जो फोर्सेज आपके पास, फोर्स नेचर क्या हुआ, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, नेचर ऑफ फोर्स क्या हुआ, आपका जो नेचर ऑफ फोर्स है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ये आपके पास है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरा केस देखिए, क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होता है इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सिमिलर मैनर चार्जेस में भी है, या तो दोनों चार्जेस आपके पॉजिटिव है वन केस, अदर वन इज, या बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही आपके नेगेटिव चार्जेस है। इस केस में नेचर आपके पास, नेचर ऑफ चार्जेस क्या हुआ, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, और उस केस में आपका जो नेचर है, फोर्स का जो नेचर है दैट इज रिपल्सिव नेचर, ये है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। आप देख ले इसका डेरिवेशन देखिए, मान लो इसके लिए मैं ये सेकंड वाला एग्जांपल चूज करता हूं, क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा बोथ आर पॉजिटिव या फिर बोथ आर नेगेटिव, मान लो दोनों या तो पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अब इसमें चार्जेस में याद रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्टेड होता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन आउटवर्ड डायरेक्टेड है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन है इस डायरेक्शन में, ये आपके पास है एफ वन टू और ये है एफ टू वन, और इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है फ्रॉम वन टू टू ये वाला, ये आपके पास है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, आर डिस्टेंस, बट वेक्टर इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला वेक्टर आपका है आर वन टू कैप, और दूसरे वाला वेक्टर है यूनिट वेक्टर आर टू वन कैप, ये यूनिट वेक्टर है। अब इसमें देखो, इसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो हमने चूज करना बाद में, ये देखिए ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी एफ वन एफ टू फोर्सेस, डिस्टेंस क्या इनके बीच का आर डिस्टेंस है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है दिस फोर्स। अब ये फोर्स क्या है इसमें, अब आप अगर आप लेट करना चाहते हैं, ये है एफ वन टू, ये होता ऑन और ये होता आपका बाय, इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज वन एग्जर्टेड बाय क्यू टू, और इस फोर्स का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू एग्जर्टेड बाय क्यू वन ऑन बाय। अब आर वन वेक्टर क्या है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, और ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है आर टू वन, दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू वन डायरेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू, इन वेक्टर फॉर्म में
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आपको याद रखना होगा ये जो डायरेक्शन है f12 इस फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन में देखो, इसकी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर एक्ट कर रहा है r21। तो देयरफॉर इसको भी डायरेक्ट करना है r21 बाय गिविंग डायरेक्शन। अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं, इनको आपस में इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, इस वेक्टर को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं ये वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर दूं तो इट विल गिव नेगेटिव वेक्टर। क्या देगा मुझे? नेगेटिव वेक्टर देगा। देख लो f12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं इसका ऑर्डर यहां से चेंज कर देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 divided by r square and r12 cap, equation number 1, यहाँ पे equation 1 हो गया। similarly दूसरा force भी find कर सकते हैं। दूसरा force कौन सा है? दूसरा force है f21 vector is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन में देख ले, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर फॉलो कर रहा है, ये वाला वेक्टर r12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकता हूं, एडिंग वन और टू को मैं ऐड कर दूं। यहां देख लो, एडिंग वन एंड टू, वन प्लस टू, एडिंग वन एंड टू, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। ये वाली जो टर्म आपकी, ये पूरी नेगेटिव टर्म है और ये नीचे वाली पूरी आपकी पॉजिटिव टर्म है, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर will be cancelled out each other, पूरा cancel हो जाएगा और हमारे पास answer निकलता है, this comes out to be f12 plus f21 is equal to 0, f12 is equal to minus of f21। अगर मैं इसको action मानता हूँ, तो ये action का reaction है, there is equal है opposite। This proves Newton's third law of motion. क्या प्रूव कर रहा है आपको? Newton's third law of motion. This proves Newton's third law of motion. मोशन। इसमें एक क्वेश्चन और पुट किया जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उनका रेशियो क्या हुआ। तो ये कांसेप्ट आपका आंसर देता है, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर रेशियो क्या होगा इसमें? इसमें जो रेशियो होगा f12 mod रेशियो f21 is equal to, that is 1:1। कंपटीशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी? It is a ratio of electrostatic force in vacuum to the electrostatic force in medium between similar charges at same distance. Distance same है आपका, उसी system को अगर हम vacuum से medium में डाल दें, but charges will be the same and also the distance will be the same. उनका जो ratio होता है force to the vacuum, that is your dielectric constant, और हम उसको बोलते हैं relative permittivity. इसको मैं दो मेथड से निकाल सकता हूं,
या तो मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। देख लो, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू एफ वैक्यूम टू द एफ मीडियम, और या फिर इसका दूसरा मेथड है, देख लो दूसरे मेथड से मैं कैसे निकाल सकता हूं, यहां से मैं इसको निकाल सकता हूं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जीरो भी ले लेता हूं क्या, वैसे वैक्यूम का मतलब जीरो, डिवाइडेड बाय ई मीडियम, दैट इज सिंपली ई। यहां से देखो पहले, के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, बट नॉट, इसमें मीडियम के लिए ओनली एप्सिलॉन यूज किया जाता है, क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऑल द टर्म्स, दिस टर्म विल कैंसिल ऑफ दिस वन, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ वैल्यू बचता है, दिस कम्स आउट टू बी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वन अपॉन एप्सिलॉन, के इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन अपॉन वन, देयरफॉर के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इन द सिमिलर मैनर, इसी प्रकार से वहां भी निकाल सकते हैं, देखो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए, देखिए E naught upon E, what is the formula for electric field? Electric field का formula होता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q, Q upon, इसमें Q1, Q2, इसमें Q charge कम किया जाता है, Q upon R square divided by 1 upon 4 pi epsilon naught, sorry, इसमें naught भी आएगा, Q upon R square। मीडियम के लिए कभी भी नॉट नहीं आता, ओनली एप्सिलॉन आता है, इसको मैं कैंसिल कर दूं ये वाला वैल्यूज, और फिर से सिमिलर मैनर से जैसे हम इसको डिराइव किया वैसे ही भी आ रहा है, देख लो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ आपके पास, ये देख ले डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आल्सो, रिलेटिव परमिटिविटी। हम इसको इन समराइज वे से शॉर्ट वे से लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस के साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटेंस से भी, देख ले के इज इक्वल टू F naught, F naught मतलब vacuum divided by F is equal to दूसरा formula है E naught divided by E is equal to epsilon upon epsilon naught is equal to capacitance के साथ ही C upon C naught, ध्यान दे, देखो इन दोनों में naught है और यहाँ पर upon में naught है, और कई बच्चे इन दोनों को एक जैसा consider करते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन वाला वैल्यू है, ई वाली वैल्यू है, और लिखने में कई बच्चा गड़बड़ी करता है, इसको कई बार ई नॉट को इस तरह से लिख लेता है या ई को सिंपल इस तरह से लिख लेता है, दिस इज रॉन्ग, आपको एप्सिलॉन ऐसे लिखना है और ई ऐसे मेंशन करना है, दैट्स ऑल।